बिहार की सियासत में संत की एंट्री, लालू यादव के बेटे हुए संत मार्गी। अपने बेबाक बयानों से पहचान बनाने वाले तेज प्रताप ने क्यों साधी चुप्पी? चुप्पी के साथ श्वेतांबर पीतांबर लुक का क्या है राज? बिहार की सियासत में अपने पिता और राजद सुप्रीमो लालू यादव की राजनीतिक विरासत के जरिए एंट्री लेने वाले तेज प्रताप यादव इन दिनों चर्चाओं में हैं। चर्चाओं में रहने की वजह उनका गेटअप है। इसी बीच उनकी कुछ तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं, जिसमें उन्होंने सफेद और पीला वस्त्र धारण कर रखा है। पहनावे से वो किसी संत की मानिंद नजर आ रहे हैं। अब सवाल तो उठेगा ही कि लालू के सुपुत्र और बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव क्या वैराग्य लेने वाले हैं? तेज प्रताप यादव वर्तमान में समस्तीपुर जिले की हसनपुर विधानसभा सीट से राजद विधायक हैं और बिहार सरकार में वन पर्यावरण एवं जलवायु मंत्री हैं। इसके पहले वो बिहार सरकार में 2015 से 2017 तक स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं। बिहार की राजनीति में तेज प्रताप अपने नाम के अनुसार ही काफी सक्रिय और तेज तर्रार बेबाक बयानबाजी करने वाले नेता के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन इन दिनों वो चुप चुप से हैं। और अब तो संतों वाली वेशभूषा भी धारण कर ली है। उनकी पारिवारिक जिंदगी पहले ही ठीक नहीं चल रही थी, फिर पिता लालू यादव की तबीयत खराब हो गई। हालांकि इस बीच उनके लिए एक अच्छी खबर आरजेडी का सत्ता में वापस लौटना भी रहा। महागठबंधन सरकार में मंत्री पद संभालने के बाद वो काम को लेकर काफी उत्साहित भी रहे। कई बार सड़कों पर चिड़िया बेचने वालों को पकड़ा, उनके चंगुल से परिंदों को आजाद कराया। अक्सर पटना चिड़ियाघर में भी वो देखे जाते रहे हैं। उसके पहले जिम करने, बांसुरी बजाने और बेबाक बयानबाजी को लेकर चर्चाओं में रहे हैं। पर सवाल सबसे बड़ा ये है कि तेज प्रताप की चुप्पी का राज क्या है और श्वेतांबर पीतांबर चोले में वो क्यों नजर आ रहे हैं? तेज प्रताप यादव इन दिनों चुप चुप से हैं और शांत से क्यों हैं? कृष्ण भक्ति में लीन रहने वाले तेज प्रताप को सियासी गलियारों में इन्हीं वजहों से संत पुकारा जाने लगा है। हालांकि तेज प्रताप की जर्नी को आप देखेंगे तो उसमें कभी वो सन्यासी का रूप ले लेते हैं तो कभी महादेव का रूप धारण कर लेते हैं, आध्यात्मिक प्रवचन में भी चले जाते हैं। तेज प्रताप को कुछ लोग अक्खड़ मिजाज तो कुछ लोग राजनीतिक नासमझ तो कुछ अल्हड़ नेता मानते हैं, लेकिन उनके बारे में कुछ बातें ऐसी हैं जो कम लोग ही जानते हैं। वो दिल के बहुत नरम हैं। तेज प्रताप के पास कोई जरूरतमंद पहुंच गया तो उसकी मदद जरूर करते हैं। जब पेशे से धोबन मुन्नी रजक को विधान परिषद सदस्य बनाया गया तो इससे सबसे ज्यादा खुश तेज प्रताप ही हुए थे। वो आगे बढ़कर सामने आए और लोगों के बीच जाकर पार्टी के इस फैसले पर खुद को गौरवान्वित महसूस किया। तेज प्रताप यादव राजनीति से ज्यादा आध्यात्मिक रंग के लिए मशहूर हैं। तेज प्रताप यादव को बांसुरी बजाना पसंद है, गायों के साथ वक्त बिताना भी बहुत पसंद है। वो अक्सर वृंदावन पहुंच जाते हैं। तेज प्रताप के सोशल मीडिया पर फैन भी बहुत ज्यादा हैं। वो पूजा पाठ करते हुए अपना वीडियो अपलोड करते रहते हैं, अपनी माँ राबड़ी देवी के साथ समय बिताते वीडियो भी पोस्ट करते हैं। इन्हीं वजहों से वो अपने समर्थकों के चहेते हैं। सबको मालूम है कि तेज प्रताप जब बोलने पर आते हैं तो कुछ भी बोल देते हैं। कई बार अपने बयानों की वजह से वो खुद फंसते नजर आते हैं तो कई बार पार्टी को भी टारगेट पर ला देते हैं। इन सब का सबसे ज्यादा असर पार्टी की छवि पर पड़ता है, जिसका विरोधी सियासी दल फायदा उठाने की फिराक में लगे रहते हैं। फिलहाल वो चुप हैं और संत मार्गी हो गए हैं। सियासी जानकारों की माने तो तेज प्रताप यादव की चुप्पी के पीछे लालू यादव का वो सख्त निर्देश है, जिसमें उन्होंने बड़े बेटे को बेबाक बयानबाजी करने से मना किया है। उसके अलावा तेज प्रताप यादव को जब महागठबंधन सरकार में वन पर्यावरण एवं जलवायु मंत्री की कुर्सी मिली थी तो लोगों को उम्मीद थी कि वो कमजोर मंत्रालय मिलने की बात पर भड़क उठेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तेज प्रताप ने खुद को संभाला और विभाग के लिए अच्छा काम किया। हाल के दिनों में उन्होंने पूरी तरह चुप्पी साधी हुई है। इसके पीछे पिता लालू यादव की तबीयत भी एक वजह हो सकती है। जानकार मानते हैं कि डॉक्टरों ने भी लालू परिवार को ये निर्देश दिया होगा कि राजद सुप्रीमो पर ज्यादा तनाव न डालें। ये भी उनकी खामोशी अख्तियार करने का एक कारण हो सकता है। फिलहाल खबर यह है कि तेज प्रताप
सिंगापुर जाने की तैयारी में व्यस्त हैं। उनका नया साल सिंगापुर में बीतेगा, जहां वो पापा लालू यादव को हैप्पी न्यू ईयर कहेंगे। उनके साथ उनके भाई तेजस्वी यादव और राजश्री यादव भी सिंगापुर जाएंगी।